हमारे भटूरों में ऑयल नहीं होता। ये एक सीक्रेट है, काफी एरोमेटिक है और ये भी काफी पुराने टाइम से आ रहे हैं, धुएं उड़ रहे हैं और खुशबूएं आनी शुरू हो जाएगी। शर्मा जी, छोले भटूरे, ग्राहक और मौत का कभी भरोसा नहीं है। काफी सा सॉफ्ट सा भटूरा इसके अंदर जैसे ही चने डालते हैं, ये यहाँ पे लग रहे हैं ये पेड़े। नर्सरी से लेकर 12th तक हम तो बचपन से ही खा रहे हैं। ओ भाई, एवरीथिंग इज गुड। चार प्लेटें और पैक करा ली घर वालों के लिए, घर से बनाते ला। उस टाइम पे 3 रुपए प्लेट होती थी। छोले हैं, दैट इज ऑयल फ्री। अगर आप फिटनेस फ्रीक भी हो तो आप खा सकते हो। मेरी प्लेट लग चुकी है, अब पहली बाइट लेते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। तो मेरा नाम जेडी है और आज मैं आया हूँ अमर कॉलोनी लाजपत नगर में। और यार आज मैं ट्राई करने वाला हूँ छोले भटूरे। तो यार यहाँ के जो शर्मा जी के छोले भटूरे हैं, इनके बारे में मैंने काफ़ी सुना है मगर मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं करे। तो आज मैं इनके छोले भटूरे ट्राई करूँगा और जानूँगा यार क्या खास है इनके छोले भटूरों में। ओनर से भी बात करेंगे और इनकी पूरी स्टोरी जानेंगे कि यार इन्होंने कैसे स्टार्ट करा, कितने साल पुराने हैं, क्या क्या खास है मतलब कि इनके छोले भटूरों में, और जो भी है इसका फ्लेवर, सारी स्टोरी आप तक बचाता हूँ। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर लेना, तो यार इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया था सुबह सुबह ये सोचकर कि रिकॉर्डिंग में आसानी होगी क्योंकि भीड़ कम होगी, पर यहाँ पे तो सुबह सुबह 6 बजे से ही रौनकें लगी हुई थी। सामने जो ये कॉर्नर पे है, ये है शर्मा जी छोले भटूरे। और 100 मीटर दूर से ही छोलों की महक और भटूरों को फेंटने की आवाज़ आने लगी थी और शर्मा जी ने दूर से ही नमस्ते बुलाते हुए अपनी दुकान की तरफ मुझे इनवाइट करा। दुकान के अंदर तेजी से काम चल रहा था और सभी अपने काम में मगन थे। मेरे रिक्वेस्ट करने पर बड़े शर्मा जी ने मेरे से बात करने के लिए थोड़ा वक्त निकाला। तो शर्मा जी, पहले तो आप अपना पूरा नाम बताओ कि आपको। मेरा विनोद शर्मा है। तो शर्मा जी, मुझे ये बताओ कि इस दुकान की शुरुआत किसने करी और कब हुई और कितने साल पुराने हो आप? ये दुकान मेरे फादर ने शुरू करी थी। अच्छा। पहले हम मूलचंद मेट्रो स्टेशन के साथ में लगाते थे, वहाँ ठेला लगाते थे। इसको कम से कम मैक्सिमम 40 ईयर्स हो गए हैं। इस टाइम हम सेकंड पीढ़ी, पापा इस टाइम हमारे रिटायरमेंट ले गए, उनकी 83 ईयर्स है। और अब हम तीन भाई काम करते हैं। अच्छा, तीन भाई काम करते हैं। अब हमारी ये थर्ड जनरेशन जो अब इसमें आ चुकी है, मेरा बेटा भी यहीं काम कर रहा है। दुकान के अंदर ये दो कारीगर मैदे के पेड़े लगाने में व्यस्त थे। जैसे जैसे गाहकों की भीड़ बढ़ रही थी वैसे ही इन लोइयों की तादाद ट्रे में बढ़ रही थी। इतने भी हमारे यहाँ कस्टमर हैं, बहुत आज से नहीं, यानी कि इन्हें खाते खाते को कम से 40 साल हो गए। मतलब उनकी भी पीढ़ी आनी शुरू हो गई है। नाम क्या भाई आपका? मेरा अंजनीत सांदिल्य। अंजनीत, कितना टाइम हो गया आपको ये शर्मा जी के छोले भटूरे खाते हुए? अराउंड मोर देन 10 ईयर्स। और क्या खास क्या लगता है यहाँ के छोले भटूरे में आपको? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो छोले हैं दैट इज़ ऑयल फ्री और ईजी टू डाइजेस्टेबल, आप रेगुलर बेसिस पे खा सकते हो। तो हेल्थ में इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आप, अगर आप फिटनेस फ्रीक भी हो तो आप खा सकते हो। अब बारी थी इन लोइयों से भटूरे को बनाने की। तो एक कारीगर इन लोइयों को एक एक करके अपने हाथ में 4-5 थपकी देते हुए एकदम गुलाई में फैला देता और खौलते तेल में तलने के लिए डाल देता। और गरम तेल में डालते ही ये भटूरा गुब्बारे की तरह फूल जाता और मिनटों में ही सुनहरा हो जाता। और ये गरम गरम सुनहरा भटूरा गाहकों की प्लेट में जाने के लिए तैयार था और ये सारा प्रोसेस बिना रुके मेरे सामने तेजी से चल रहा था। तो जो इसका नाम है जो शर्मा जी, वो मतलब कि पापा के नाम पे ही, मतलब कि? हाँ जी, हमारी नहीं, हम कास्ट से ही शर्मा हैं। अच्छा। हाँ, हम पंडित हैं, हिमाचल से बिलोंग करते हैं। और ये दुकान मतलब कि यहाँ पे आए हुए अमर कॉलोनी में आए हुए कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ हमें हो गए 4 साल हो गया सर। अच्छा, 4 साल यहाँ पे हो गए। हाँ जी, हाँ जी। कि हमारे चने जो हैं विदाउट ऑयली एंड नो लहसुन, नो अनियन, अच्छा, अदरक वगैरह, टमाटर कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ पानी में बनते हैं। सिर्फ पानी में बनते हैं। हाँ जी। तो ये मतलब कि काफ़ी हेल्दी हो गए, ऑयल नहीं है। हाँ, तो हेल्दी तो हो गए नहीं होता। और ये हमारे भटूरे जो हैं वो भी ग्राउंडनट में बनते हैं। तो यार ये अभी अंकल जी आए हैं यहाँ पे और ये कह रहे हैं कि 40 साल से यहाँ पे खा रहे हैं, तो मैं एक बार इनसे बात करता हूँ। मुझे पहले तो ये वहाँ पे थे तो मुझे
40 साल तो 35 से 40 साल तो हो ही है खाते 40 साल से हाँ टेस्टी लगता है स्वाद बना हुआ है घर जैसा वाला वो आता है हाँ बिल्कुल ब्रेकफास्ट में मेन ब्रेकफास्ट में ही खाते हैं ये एक सीक्रेट है कि इसके अंदर जैसे ही चने डालते हैं उतने ही टेम्परेचर में गर्म रहेंगे अच्छा हाँ जी मतलब जितने टेम्परेचर में डाले हैं उतने हाँ, में गर्म रहेंगे अगर इसका ढक्कन ना खोला जाए तो दो दिन भी ये गर्म ही रहेंगे दो दिन भी कवर ही रहेंगे कवर रहेंगे मतलब है कपड़ा ही ना कपड़ा है कपड़े में बना हाँ, है पूरे कपड़े में बना हुआ और ये इसको इनकी बार बार खोलने से तो ये थोड़े ठंडे हो जाते हैं जैसे 12-1 बजे करीब तो नॉर्मल ठंडे हाँ हाँ कोसे कोसे तो रहेंगे ही रहेंगे अगर इसका कवर ना खोला जाए और बंद रखा जाए तो उतने ही टेम्परेचर में रहेंगे और ये जो है और जगह चने खुले रखे होते हैं वैसे रखे होते हैं हमने बिल्कुल कवर होते हैं हाँ ये देखो ये भैया आए हैं ये स्कूल टाइम से खा रहे हैं इनसे पूछ लो ये देखो ये वाले आए हैं तो नर्सरी से लेकर 12th तक हम तो बचपन से ही खा रहे हैं ब्रेकफास्ट यही है लंच भी यही था तो अभी भी हम कहीं जा रहे थे तो ब्रेकफास्ट पहले करके फिर जा रहे हैं आप इनके भटूरे भी खाओगे तो लाइट रहता है जैसे कहीं आप खाओगे ऑयली पेट भारी हो जाता है पूरा दिन भर आप ऐसा रेस्टलेस सा फील करोगे पेट भरा भरा ऑयली वैसा रहता है इनके आप भटूरे खाओ छोले खाओ आपने नाश्ता किया है तो नाश्ते तक आपके डाइजेस्ट हो जाएंगे वो नहीं होगा कि आपको एसिडिटी बन रही है कुछ ऑयल ज्यादा है सब कुछ अच्छा और फ्रेश है इन भटूरे छोलों की इतनी तारीफें सुन सुनकर मेरे से तो रहा नहीं जा रहा था मैंने भी शर्मा जी को अपने लिए कर्मा गरम भटूरे छोले की प्लेट लगाने का ऑर्डर दे दिया और दूसरे नंबर वाले शर्मा जी ने झटपट से एक भटूरे छोलों की प्लेट तैयार कर कर मेरे को परोस दी तो ये मेरी प्लेट लग चुकी है भाई ये है छोले ये है भटूरे और ये है अचार गाजर और मिर्ची का तो ये पफी सा सॉफ्ट सा भटूरा आ चुका है तो भाई बस अब इसको ट्राई करना है एक प्लेट में वैसे दो पीस आते हैं और ये जो छोले हैं ये ना मतलब कि तरी वाले छोले हैं भाई इनके साथ तो चावल खाने में बड़ा मज़ा आएगा और भाई सच बताऊँ तो काफ़ी एरोमेटिक है मतलब कि मसालों की खुशबू आपको आएगी जैसे काफ़ी एरोमेटिक है और मैंने यार कई जगह पर देखे हैं जो जो भटूरे के साथ छोले मिलते हैं ना वो काले कलर के होते हैं मतलब कि आंवला जब वो पत्ती पत्ती डालते हैं उसको काला रंग देने के लिए ये अगर आप छोले देखो तो यार ये ब्राउन रंग के हैं ये वाले छोले तो बस यार अब मैं पहले ये ट्राई करता हूँ और इसका जो फ्लेवर है वो आप तक पहुँचाता हूँ तो यार पहले मैं ये लेता हूँ बड़ी सी बाइट छोलों में अच्छे से डुबोया मैंने इसको देख रहे हो इस बार सिर्फ मैंने पहले सिर्फ छोले ही लिए हैं और अब पहली बाइट लेते हैं एकदम राइट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस छोले काफ़ी फ्लेवरफुल हैं एंड में आपको स्पाइस की किक आएगी मगर वो स्वादिष्ट वाली आएगी और जैसे यार इन्होंने बताया कि छोलों में कोई ऑयल नहीं है मगर एक ना रिचनेस है छोलों में एक आपको रिचनेस महसूस होगी फ्लेवर में भी आपको सारे मतलब कि मसालों का फ्लेवर आएगा मिक्स मसालों का फ्लेवर मगर राइट वे में आएगा बैलेंस में आएगा कि सिर्फ छोले भटूरे ही है मेन्यू में ये छोले भटूरे ही 40-45 साल से आप कर रहे हो जा छोले भटूरे ही हैं हमारे और कुछ नहीं है अभी मेरे को दिल्ली के अनकी हर एक जगह से ऑफर आते हैं अच्छा ये तो हाँ, वैसे बहुत सही बात है ज्यादा से आते हैं बहुत आपके गटर हमारे पास कस्टमर इस टाइम गटर नोएडा फरीदाबाद पानीपत गुड़गांव बहुत दूर दूर से आते रहते हैं डेली आते हैं सेकंड बाइट लेता हूँ इस बार ही लूंगा गाजर के अचार ऊपर डाल के इसमें गाजर है अदरक और हरी मिर्च सो ये छोले लिए और उस पर डालिए गाजर ये बाइट बनाई है मैंने भाई अचार के साथ जो टेंजीनेस है ना जो जो टाटी फ्लेवर है ओ भाई वो आता है जो कि ना इन्हेंस करता है छोलों को अच्छा ये मुझे ये बताओ
आप लोगों को भी जो भटूरे के साथ छोले जो खाते हो वो अचार के साथ पसंद है या नॉर्मली मतलब कि बिना अचार पसंद है? मगर यार ये जो गाजर का अचार है ना, और ये भी रोज फ्रेश बनाते हैं, ये भी रोज आप फ्रेश ही बनाते हो ना? डेली फ्रेश बनता है। मैंने आपके अचार के बारे में भी काफी सुना है, एक तो गाजर का होता है और एक मिर्च का होता है, उसमें मतलब कि क्या मतलब कि अलग सा क्या होता है वो, जो नॉर्मली ये घर का बना होता है? घर का ही बना होता है, हमारा सारा आइटम जो मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा, खुद मेरी हमारी कोई ऐसा नहीं है कि लेबर या किसी को, हम अपना हुनर किसी को नहीं देते हैं, सिर्फ अपने ही हाथ में रखा होता है। सवेरे मैं इनकी 2:20 पे उठता हूँ। अच्छा। हाँ, सवेरे उठना पड़ता है, चने वगैरह मैंने खुद ही बनाने हैं, किसी को दूसरे बंदे को हम ये नहीं देते हैं, किसी का भाव अपना हुनर नहीं बताते कि कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं। यहाँ तक कि हमारी लेबर है, हमारे ब्रदर भी हैं, ये वाले ब्रदर जो हैं इनको भी इतना नहीं पता है नॉलेज है अभी चने बनाने की। तो शर्मा जी चलो मैं ठीक है, आपकी सीक्रेट रेसिपी है, बस थोड़ा अंदाज़ा दे दो कि यार इनके छोलों में क्या, मसालों में क्या क्या होता है? वैसे मसाले हमारे जो मार्केट में मिलते हैं वही होते हैं। अच्छा। हम मार्केट से लाते हैं, अपने आप ही पिसवाते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब कि जैसे इलायची? हाँ, ये इलायची, लौंग, दालचीनी, धनिया, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अच्छा, पिपल वगैरह, ये सारी जो ए से लेकर जेड तक जो भी मसाला होता है वो पूरा ही होता है, पर हमारी रेसिपी होती है कि इतना 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 इतना। अच्छा। इस हिसाब से लेना। मतलब टोटल वैसे कितने होते हैं, 30-35 टाइप के होते हैं या उससे कम होते हैं मसाले जो डालते हो आप छोले? उनकी ये होते आते हैं कोई 18-20 मसाले। इनके मिर्ची के अचार के बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ है, तो बस मैं इस बारी जो ले रहा हूँ मिर्ची का अचार साथ में डाल के ले रहा हूँ और ऊपर से गाजर डाल रहा हूँ। तो ये बनाई है मैंने बाइट इस बारी और अब लेता हूँ। मिर्ची के अचार की बातचीत है, अलग है भाई। अगर आओगे मिर्ची का अचार तो ज़रूर लेना, गाजर का अचार तो स्वाद है ही है, मगर मिर्ची का अचार, मगर अगर जैसे मगर अगर आपको एक्स्ट्रा किक पसंद है ना स्पाइस की, तो भाई मिर्ची का अचार लाजवाब है। राई का काफ़ी अच्छा फ्लेवर है इसमें। ये हमारे नींबू है, नींबू रस आता है, ओरिजिनल है, वो ये नहीं है कि बाहर से मार्केट से ला के खरीद के नींबू लाते हैं, डेली निचोड़ेंगे हम, सिर्फ प्योर नींबू है। अगर आपको थोड़ी सी खटास और चाहिए तो इनका ये नींबू का रस है, तो ये भी थोड़ा सा डाल सकते हैं उसमें, अगर आपको जैसे एक्स्ट्रा खटास चाहिए। तो ऐसे नहीं है तो पढ़ाई ऐसी होती है, तो इसलिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे पानी की तरह तेल है, कोई वो नहीं है कि वैसे हम डेली फ्रेश तेल यूज करते हैं। अच्छा। जो बच जाता है वो सारा इन्वेस्टमेंट है, वो देखो डिब्बे, यहाँ डिब्बा रखा हुआ उसमें देते हैं, वो डिब्बा है नीचे एक वाइट वाला। अच्छा। इसको वेस्ट करके फेंक देते हैं सारा तेल, हम डेली का डेली यूज, डेली फ्रेश तेल डालते हैं। सो साथ में आती है ये मसाला छाछ, रिफ्रेशिंग है, और मगर ये ज्यादा सॉल्टी वाली नहीं है, ज्यादा नमक नहीं दिखेगा, मसाले का फ्लेवर आएगा इस छाछ में आपको। मैंने और भी जगह के खाए हैं छोले भटूरे, ये आगे मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, और सच में यार मतलब कि यहाँ का फ्लेवर है और छोलों में अलग है, मतलब कि छोले इनके यहाँ के ज़्यादा एरोमेटिक है। और जो इनके टाइमिंग है वो सुबह 5:15-5:30 ओपन हो जाते हैं और दोपहर को 12:30-1 बजे तक होता है उस पर, और 7 दिन ओपन रहते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करूं जो फुल प्लेट है वो 70 रुपये की है जिसमें 2 भटूरे आते हैं, और जो सिंगल प्लेट है वो है 40 की जिसमें 1 भटूरा आता है साथ में, और जो मसाला छाछ है वो है 30 रुपये की। फिलिंग मील है, फ्लेवरसम मील है, आप खाओगे आपको फिलिंग लगेगा उस टाइप से, मतलब कि आपका पेट पूरा भर जाएगा। और बड़ा अच्छा लगा यार शर्मा जी आपसे बात करके, थैंक यू आपके टाइम के लिए भी। इसकी अगर लोकेशन मैं थोड़ी समझाऊँ तो आपको, तो यार ये मूलचंद स्टेशन के, मेट्रो स्टेशन के पास पड़ती है, जो मूलचंद स्टेशन से अब जैसे आप अंदर आओगे तो ये जो नेशनल पार्क वाली रोड है, ये वाली, ये जो मेन रोड आती है, यहाँ से आपने जो दुकानें आएंगी ना आपको राइट साइड पे, वहाँ से अंदर आना है, ये पार्क दिखेगा,
पार्क के सामने ही, मतलब कि इस तरफ यहाँ आपको एक ये कॉर्नर पे शर्मा जी छोले भटूरे मिल जाएगी। और यार ये सुबह ही खुल जाते हैं और यहाँ पे आपको भीड़ भी दिखने शुरू हो जाएगी। आखिर में यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, तो यार से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है तो ताकि मैं और भी आपसे ऐसी वीडियोस डालता रहूं। तो यार प्लीज़ यार लाइक और शेयर ज़रूर करना यार प्लीज़। अगर वीडियो कुछ भी पसंद आई है और कोई भी फीडबैक है तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और इधर आते हो अगर आपने यहाँ के छोले भटूरे ट्राई कर रखे हैं तो यार आपको कैसे लगते हैं वो भी कमेंट करके मुझे बताना।